तो यहाँ से चढ़ाते हैं, सामने बिल्कुल मेरे खड़ी चढ़ाई है एकदम सीधी सीधी देखो, तो यहाँ से ट्रैक्टर कई बार चढ़ जाते हैं कई बार फेल हो जाते हैं, देखते हैं मारुति वैन में कितनी जान है भाई। वो एक गई, वो भाई चढ़ गई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे और एकदम मस्त मस्त होंगे। वेलकम टू स्टार्स गेमिंग चैनल और मैं हूं आपका दोस्त स्टार। तो दोस्तों आज मैं फिर से खेलने वाला हूं फार्मिंग सिमुलेटर 2019 और ये है भाई मड मैप, फेल्सब्रन का मड्डी मैप। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मारुति सुजुकी वैन। तो भाई वैन आपने देखी होगी कई साल पहले आती थी, अब तो ये मॉडल बंद हो गए हैं। तो ये होती थी वैन मारुति की छोटी सी, और देखो ये, अरे भाई ऊपर मत चढ़। तो ये इतनी होती थी 5.5-6 फुट के आसपास, तो मेरे सर के देखो मेरा सर ऊपर जा रहा है, तो इतनी छोटी सी थी ये और बहुत ही बढ़िया होती थी भाई। खुद मेरे पास वैन थी और मैंने कई साल चलाई, 10-12 साल, बहुत ही बढ़िया होती थी। और इसके अंदर भाई 8-10 लोग बैठ जाते थे आराम से घुस के, तो ऐसी आजकल गाड़ी कोई आती नहीं है। तो ये आगे भी अपनी वैन और पीछे लिखा है स्टार वैन, आगे भी लिखा है स्टार वैन, और ये है सुजुकी कंपनी की, मारुति सुजुकी। तो एक बार देखते हैं इसको अंदर से। तो ये ऐसी है भाई, आगे डैशबोर्ड लगा, आगे कुछ नहीं होती थी, सिंपल सी गाड़ी होती थी। और पीछे देखो तो वैसे तो उस टाइम में एलपीजी किट आती थी, तो एलपीजी लोग लगाते थे, मैंने भी लगा रखी थी एलपीजी किट। तो एक सिलेंडर से भाई 300-400 किलोमीटर चलती थी गाड़ी उस टाइम। तो ये आ गई भी अपनी गाड़ी और देखते एक बार इसमें लाइटें। तो ये होगी भाई नॉर्मल और ये होगी हाई, लो हाई, ये होगी हाई लाइट। और इंडिकेटर भी लगा रखी है भाई, बहुत बढ़िया देखो ये। और हॉर्न मैंने अच्छा सा लगा दिया इसके अंदर ये। तो इस करते हैं इसको स्टार्ट, तो ये स्टार्ट ही ऑलरेडी। तो चलाते हैं इसको मड के अंदर, देखते हैं आज इसको मड में फंसाते हैं, जंप करवाते हैं, उस पहाड़ी पे चढ़ाएंगे, देखते हैं क्या क्या होगा। तो चलाते हैं जरा इसको अंदर से और इस मड मैप के अंदर ले चलते हैं इसको, इसको चलाएंगे मड के अंदर, देखते हैं कैसी चलेगी, फंस जाएगी क्या, मड में फंसेगी या निकल जाएगी मुझे नहीं पता। अच्छा इसकी हॉर्स पावर भाई 60 की है और इसकी स्पीड है 121 की, तो वैसे 120 की स्पीड आती थी मारुति वैन की ओरिजिनल स्पीड। अरे यार एक मिनट, गलत आ गई भाई, रोड उधर से था। और आवाज़ भी देखो एक क्या ओरिजिनल है, एकदम बढ़िया। चलो चलते हैं इसको लेके, एक मिनट यार लाइट बंद कर लूँ, अब ठीक है। चलो भाई चलो, ये गाड़ी वाला जा रहा है, हट जा बे। तो ये है भाई मेरा फील्ड, यहाँ पर मैं खेती करता था पहले मड मैप के अंदर, मैंने आपको दिखाया था पहले। और देखो अभी तक मेरा फार्म ट्रैक और मेरी इंडियन ट्रॉली और इंडियन पैलेट वगैरह सब यहीं पड़े हैं। लो भाई मड आ गई। अच्छा तो मैंने इनको हटाया नहीं था, मैंने यहाँ पर गेम प्ले मतलब खेती करके छोड़ दी। तो ये आ गई मारुति वैन, और देखो भाई इसके सुजुकी के लगे हुए इसके अपने टायर भी देखो, और रिम लगा रखे हैं भाई बहुत बढ़िया। तो ये भाई मड के अंदर चलाते हैं इसको, यार मड के अंदर मज़ा आ रहा है। और ये छोटी सी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, लेकिन बहुत ही कन्वीनियंट थी, बहुत ही बढ़िया थी भाई। आजकल की एसयूवी जो आप देखते हो ना, उसके अंदर 5-6 लोग बैठते हैं, उसको फेल कर दी थी ये। और इतनी बढ़िया थी भाई, छोटी सी गली में घुसेड़ दो इसको, जहाँ मर्जी ले जाओ ये हर जगह चली जाती थी, हर जगह घुस जाती थी, बहुत कामयाब थी। और उस टाइम जो हिंदी फिल्में बनती थी उसके अंदर जब लड़की को उठाना होता था तो मारुति वैन का इस्तेमाल किया जाता था। आपने अगर पुरानी फिल्में देखी होंगी 80-90 के दशक की, तो उस टाइम क्या होता था कि इस मारुति वैन का दरवाज़ा होता था, साइड से खोला और लड़की को बिठाया और भाई लेके भाग गए। तो ये होता था उस टाइम। तो ये बहुत ही बढ़िया थी, और देखो ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, खेत के अंदर देखो नज़र भी नहीं आ रही। ओ भाई मड्डी मड है यहाँ पर, चलाते हैं इसको। और ये मैप देखो कितना बढ़िया यार, फूल ही फूल लगे हुए चारों तरफ, और देखो बहुत ही बढ़िया लग रही है। और शीशे देखो क्या बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, मिरर बहुत ही शानदार है, और एकदम ओरिजिनल गाड़ी है, और ओरिजिनल शीशे, ओरिजिनल साउंड। ले चलते हैं इसको। ये दरअसल खेत के अंदर क्या है, इसकी स्पीड कम हो जाती है देखो, क्योंकि इसके टायर ऐसे नहीं है ना, क्योंकि ट्रैक्टर के टायर तो बड़े होते हैं और वो बने होते हैं खेती के लिए, लेकिन ये बनी हुई है रोड पर चलने के लिए, इसलिए ये ऑफ रोड पर चलती नहीं है। इसके टायर जो हैं ऑफ रोड वाले नहीं हैं, रोड वाले। तो इसको लगवाते हैं वहाँ से जंप, देखते हैं। ये तो मार नहीं भाई, इसकी स्पीड तो 120 की है, अभी टेस्ट करते हैं स्पीड भी 120 की होती है या नहीं होती। लेकिन ये यहाँ पे जंप नहीं मार, क्योंकि इसकी स्पीड फुल बन नहीं रही। तो देखता हूँ अगर कोशिश करके अगर हो जाए तो। भाई ये कनौला लगी हुई है देखो, और मुझे तो आगे नज़र भी नहीं आ रहा कि किधर को जा रही है।
तो इससे लगवाते हैं यहाँ से जंप। ओ यार स्पीड नहीं बन रही इसकी, देखो जंप नहीं मार सकेगी ना, बहुत मुश्किल है। तो करवाते हैं इसको जंप। ये गई अपनी मारुति वैन, ओ लो इसने तो जंप ही नहीं मारा। ओ भाई तो जंप में फेल हो गई। चलो घुमाते हैं इसको शहर के अंदर थोड़ा सा। तो इस मैप के अंदर अभी मैंने एक दो गेम प्ले बनाए थे और बहुत बढ़िया मैप है, तो देख अभी तक मैंने देखा नहीं है। ओ भाई पट ओ भाई देखो पटरी के अंदर फिट हो गई, मतलब इतनी है। और ये देखो ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी, चौड़ाई में भी 4-4.5 फुट की होगी या इससे ज़्यादा की स्पीड नहीं होगी। ओ भाई ये क्या पटरी के ऊपर चल रही भाई, बहुत फर्स्ट क्लास। और यहाँ पर भी देखो काफ़ी कुछ बना रखा है इस मैप के अंदर, अभी मैंने पूरा मैप एक्सप्लोर भी नहीं किया इस मैप के अंदर। और क्या क्या है, ट्रेन का इंतजार करते हैं, अगर आ गई तो ट्रेन के आगे खड़ा कर देंगे इसको, देखते हैं मारुति वैन ट्रेन का क्या हाल करेगी। और उधर से गाड़ी आ रही है, अब वो हॉर्न मारेगा। ओए रुक जा, अच्छा उसमें भी हीरो बैठा, ये हॉर्न मार रहा है, कह रहा हटाओ भाई इंडियन, ये इंडियन वैन को किसने लगा दिया रोड पे। अरे भाई मैंने लगाया, बोलो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे भाई, ट्रेन तो अभी आ नहीं रही, ट्रेन को लाना पड़ेगा। चलो ले चलते हैं इसको रोड के ऊपर, इसको दिखाते हैं जरा जलवा, ये ले। ओ, ओ भाई उसकी स्पीड 30 की है, हट जा। नहीं हट रहा, बहुत ही ढीठ बंदा है वह, बहुत ही ढीठ है। इसको मारते हैं, इसको इसको गुस्से नहीं, इसको घुसाते साइड में ही भाई। ये गाड़ियाँ ना पत्थर की, फौलाद की बनी है, फौलाद की। ओ बे यार इधर आ, इधर आ। तो ये गाड़ियाँ बनी है फौलाद की, ये हिलती नहीं है, कुछ भी कर लो भाई। ये बना हुआ है एरल का पेट्रोल पंप वापस। तो ये गाड़ी चलती है पेट्रोल से, तो एलपीजी भी लगती थी, आजकल तो वैसे मारुति वैन आती है, वैसे भी अभी अभी भी आती है। तो इसमें भरते हैं तेल, लो भाई तेल भर गया $1 का। तो मारुति वैन अभी भी आती है लेकिन अब सीएनजी किट के साथ आती है। और चलाते हैं इसको इस रोड के ऊपर, ये कैसा रोड है भाई। अच्छा हम एंड में आ गए बिल्कुल, और इधर ले चलते हैं इसको थोड़ा घुमाते हैं। मड मड तो अभी यहाँ पर नहीं है, तो ये फैक्ट्री बनी हुई है। अच्छा यहाँ पर है फैक्ट्री, हम फैक्ट्री के अंदर आ गए। तो मारुति वैन के अंदर भाई लोडिंग का भी काम बहुत होता था, पानी की बोतलें जैसे लोग बेचते हैं बिस्लरी की, वो भर भर के ले जाते थे, अभी भी करते होंगे। अब मारुति वैन कम देखने को मिलती है, उस टाइम तो बहुत मशहूर थी, हर बंदे के पास मारुति वैन होती थी, हर हर गली में आपको 5-10 मारुति वैन खड़ी मिल जाती थी उस टाइम के अंदर। लेकिन अब दूसरी गाड़ियों ने इसकी जगह ले ली, लेकिन भाई बहुत ही कामयाब गाड़ी थी। तो कमेंट करके बताना अगर आपके पास या आपके फादर के पास या आपके दादाजी के पास ये गाड़ी थी मारुति वैन, तो मुझे कमेंट में बताना किस किस के पास थी। और नई गाड़ी उस टाइम 1.5-2 लाख की आ जाती थी आराम से, 2-2.25 लाख की। और पुरानी गाड़ी अगर लो तो भाई अच्छी कंडीशन के अंदर भी आपको 70-80 हज़ार या 1 लाख के अंदर बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाती थी ये मारुति वैन। तो ये 2-3 साल पुरानी गाड़ी 1 लाख के अंदर मिल जाती थी आसानी से। तो मैंने नई तो नहीं ली थी, मेरे पास मैंने 2-3 बदली मारुति वैन पुरानी, तो अच्छी कंडीशन की थी बहुत। और हाँ स्कूल की वैन, स्कूल में बच्चे उठाने के लिए ये काम में लगी रहती थी, तो बहुत ही इसके अंदर 15-15 बच्चे भर के ले आते थे लोग। फिर ये बैन हो गई थी स्कूल से, अब भी शायद चलाते हैं लोग। ओ भाई यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पर कुछ पंगा हो गया भाई पुलिस का, क्या हो गया मैडम कोई मदद करूँ। चलो भाई चलते हैं उसकी मदद करते हैं कुछ। हाँ क्या कह रही है पुलिस वाली, क्या चाहिए तुझे, हैं क्यों परेशान कर रही हैं यहाँ के लोगों को, जर्मनी के लोग बहुत अच्छे हैं, जा यहाँ से। अबे तो सुनी नहीं रही, हेलो मैडम आपसे बात कर रहा हूँ, अबे सुनती नहीं है। अंकल जी क्या हो गया, बेटा मेरी लड़की किसने छेड़ दिया था, अब मैंने पुलिस बुलाई है, अब वो लेकिन बंदा नहीं मिल रहा। अच्छा कहाँ गया वो बंदा पुलिस, अरे तू ढूंढती क्यों नहीं उस बंदे को, पकड़ के जेल में डालो उसको, लड़की को छेड़ना गलत बात है। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उस लड़की को पकड़ने की। अच्छा चल ठीक है जल्दी से पकड़ दियो और मेरे को मेरे फार्म हाउस पे आके रिपोर्ट दियो। ठीक है सर आपका फार्म कहाँ है, अरे मेरे को नहीं जानती, वहाँ पे मेरा फार्म है स्टार फार्म्स। अच्छा अच्छा सर वो आपका फार्म है, चलो मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ। ओके अंकल फिर मिलते हैं, ओके बेटा थैंक यू। चलो भाई यहाँ हो गया इनका मामला सोल्ड गया, चलते हैं आगे। चल भाई मारुति वैन, अब देखते हैं भाई इसकी स्पीड का टेस्ट करते हैं। तो ये रोड अच्छा है स्पीड टेस्ट के लिए, तो 60, 65, 70, 72, 75 पहुँच गई, 80, और लो भाई
85। ओ भाई कट आ गए, मोड़ दूँ फटाफट से यहाँ से। ओ भाई कटिंग देखो कितनी शानदार है। और हाँ, इसकी कटिंग भाई बहुत ही, क्योंकि आगे इसके इंजन नहीं था, इंजन होता था सीट के नीचे। और भाई फुल स्पीड 120, तो इंजन सीट के नीचे होता था इसका। और गर्मी के अंदर गर्मी भी लगती थी, क्योंकि इसके अंदर पहले एसी नहीं होता था, आजकल तो आ गया। तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी थी, इंजन भी बहुत ही शानदार था मारुति सुजुकी का, कंपनी का, और ज़्यादा परेशान नहीं करता था। तो भाई फुल स्पीड में जा रही है 120 की, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बहुत खासियत थी मारुति वैन की, तो मैंने कहा यार इसका भी एक वीडियो बनाना चाहिए बढ़िया सा, तो मैं आपको आज बना के दिखा रहा हूँ। ओ भाई आगे कट आ गया, ओह रोको रोको रोको। हाँ, तो इसकी कटिंग भी बहुत ही शानदार थी, देखो बहुत ही आसानी से कट जाती है, देखो। ओ इतने आसानी से भी नहीं भाई। तो चलो ये फिर लेके चलते हैं इसको, हो गई घुमा फिरी तो हो गई, घुमाई फिराई तो हो गई आई मीन। अब चलते हैं इधर शॉप की तरफ, और शॉप के बाद फिर इसको चढ़ाते हैं ऊपर पहाड़ी पे। भाई मारुति वैन के अंदर भी बहुत दम था, देखते हैं कितना दम है, ये पहाड़ी पे चढ़ जाएगी। भाई बड़े बड़े ट्रैक्टर को मैंने चढ़ाया पहाड़ी पे, तो मारुति वैन को भी चढ़ाना चाहिए ना। तो उस टाइम फेवरेट होती थी भाई, मेरी भी बहुत फेवरेट गेम फेवरेट वैन थी, ये फेवरेट व्हीकल था मतलब। तो ले आ गई भाई शॉप अपनी, और अब चलते हैं यहाँ से अपने फार्म हाउस की तरफ। इधर ये भाई इसकी शॉप, मैंने आपको दिखाई थी पहले। और यहाँ पर एक चलते हैं पानी के पास, वो भाई पानी के अंदर डूब जाएगी, आराम से लेके चलेंगे इसको यहाँ से। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। तो आज हम घूम रहे हैं मारुति वैन के अंदर, देखो भाई। लो भाई एक बंदा देखो, अरे एक मिनट यार, बाहर आ बाहर। अब दोबारा चलते हैं भाई इसको। ये देखो भाई एक बंदा मछली पकड़ रहा है यहाँ पे, और ये क्वैं क्वैं कर रही है बतख, जल मुर्गी। तो यहाँ पर एक मैडम बैठी है, अच्छा। तो एक मैडम छोटी सी बच्ची को लेके कुछ कहानियाँ सुना रही है। मैं आपको आज एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ भाई, ये देखो ऐसे तैरता है ना, अगर आपने इसका पूरा जलवा लेना है तो बैग का बटन दबा के तैरो, देखो ये देख रहे हो, ये ऐसे तैरता है, ये देखो ऐसे आगे और ऐसे पीछे, है ना मज़ा। ले ले बेटा तू भी फुल मज़ा, ये मैं फूलों के अंदर घुस गया, कमल के फूल लगे हुए देखो। ओ भाई क्या शानदार है, पेट देखो कैसे हो रहा है, जैसे डिलीवरी होने वाली है इसकी। तो ये आगे और भाई ये बैक बटन से पीछे, बैक बटन से चलेगा ये। चलो चलते अपनी वैन के अंदर ऐसे उल्टे उल्टे, आ रहा है ना मज़ा। ये देखो ये हवा में। ओ भाई, और वहाँ पे आग भी जल रही है, मुर्गे मुर्गे यहाँ पे मछली पकड़ो, वहाँ पे मसाला लगा के भून के खाओ। ये देखो अब ये पागल हो गया। चलो तो चलते हैं वैन के अंदर वापस भाई। ये आज अपनी मारुति वैन की मैंने आपको दिखाया, सुजुकी कैरी। तो अब ले चलते हैं इसको पहाड़ी की तरफ भाई, अभी पहाड़ी पे चढ़ाते हैं इसको, टेस्ट करते हैं इसका पहाड़ी पे भी। यार पहाड़ी पे टेस्ट करना तो मैं बातों में भूल ही गया। तो ये अभी खड़ी चढ़ाई देखो, यहाँ पे देखते हैं ये चढ़ जाएगी। तो यहाँ से चढ़ाते हैं सामने, बिल्कुल मेरे खड़ी चढ़ाई है एकदम सीधी सीधी देखो। तो यहाँ से ट्रैक्टर कई बार चढ़ जाते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं, देखते हैं मारुति वैन में कितनी जान है भाई। वो एक गई, वो भाई चढ़ गई, वो चढ़ रही है भाई, ये तो देखो भाई 60 HP की गाड़ी देखो। ओ भाई ओ गदर भाई गदर, वो आ गई ऊपर, वो भाई चढ़ गई। ओ यार ओ भाई बहुत ही आराम से आ गई यार ऊपर, और कई ट्रैक्टर फेल हो जाते हैं देखो। और ये देखो भाई वाह भाई, मारुति वैन की तो कोई रीस नहीं है। तो आजकल मारुति वैन आ रही है मॉडिफाइड, और आने वाले टाइम में तो बहुत अच्छी अच्छी मारुति वैन आएगी। अब तो ओमनी के नाम से आती है, ओमनी मारुति सुजुकी ओमनी वैन। तो पहले तो सिर्फ मारुति सुजुकी, पहले इसको मारुति वैन ही बोलते थे बस पुराने टाइम में, आजकल तो नए नए नाम आ गए, ओमनी ओमनी पता नहीं कहाँ से आ गया। तो चलो भाई ये था इसका टेस्ट, और आज हम ऊपर ले आए इसको कैसल पे। और ये क्या खड़ा हुआ भाई यहाँ पे, अरे यार ये क्या खड़ा हुआ है, खड़ा नहीं, अच्छा ये भाई ऊपर बस स्टॉप बना रखा भाई ने। तो ऊपर कैसल पे घुमा दी, आज पहाड़ी पे भी चढ़ा दी यार, अच्छी भाई बहुत ही बढ़िया पिकअप है। और स्पीड देखो ये, और भाई ओरिजिनल साउंड है एकदम बढ़िया। तो मारते इसको यहाँ से जंप, ये ओ भाई मारुति वैन का एक्सीडेंट, ओ भाई ओ तेरी ओ तेरा भला हो जाए, बस कर बस कर। ओ भाई पलटती नहीं है एक बार भी, एक बार भी पलटी नहीं, देख लो जब से मैंने इसको टेस्ट किया है कितनी देर तक,
घुमाया भी है मड के अंदर देखो, और यहाँ पे चलते हैं मड के अंदर। भाई मड के अंदर चलाने का बहुत मजा आता है, देखो मारो अंदर, देख रहे हो अंदर अंदर भी देखो, देखो मड्डी मड, ओ भाई ये है मड्डी मड्डी खेत। ओ भाई तो ये खेत में इसकी स्पीड इतनी है बस, 50 पे चलती है ये, कितनी मड है भाई। ओ भाई मड्डी मड, मड्डी मड, मड्डी मड, मड्डी मड। चलो भाई ये थे मारुति वैन का टेस्ट ड्राइव, और चलाई आज हमने मड के अंदर। तो कई भाई कह रहे थे मड के अंदर चला के दिखाओ कोई गाड़ी, तो मड मैप के अंदर कोई गेम प्ले बनाओ, तो मैंने आज बना दिया भाई लोग। तो इसको खड़ा करते हैं भाई अपने फार्म के अंदर, ये अपना फार्म हाउस आ गया वापस, इसको घुमा के इधर लगाते हैं ऐसे, ठीक है भाई ओके। तो ये है भाई मारुति वैन, और जिस जिसके पास थी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और बहुत बढ़िया गाड़ी थी भाई, बहुत ही मज़ा आता था। आज भी आती है लोगों, लोग आज भी खरीदते हैं इसको, पसंद करते हैं। और लेकिन आगे से इसके एक प्रॉब्लम थी, एक्सीडेंट जब होता था तो भाई आगे से पूरी ख़त्म हो जाती थी, बिल्कुल डेड हो जाती थी, आगे से पूरा पार्ट उड़ जाता था, क्योंकि भाई इसके आगे कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये 4-5 पिलर के ऊपर खड़ी हुई है। अगर आप देखो इसकी छत, तो ऊपर कैरी, ऊपर स्टैंड भी लगा लेते थे लोग कई सामान रखने के लिए, कैरिज स्टैंड। तो बस इसकी यही प्रॉब्लम थी कि आगे से इसका कोई वो नहीं था, बचाव नहीं था आगे। वैसे तो लोग कैरियर वो लगा लेते हैं, मडगार्ड वगैरह लगा लेते हैं बड़ा दूसरा लोहे का, लेकिन उससे भी इतना बचाव नहीं होता। चलो यार काफ़ी बातें हो गई, और काफ़ी अच्छी गाड़ी बनाई है भाई, तो मज़ा आ गया चला के मारुति वैन। तो बताना कैसा लगा इसका गेम प्ले, और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखें, खाएं पिए स्वस्थ रहे, और भाई एकदम मस्त रहे। ओके दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। ये भाई मस्त हो रहा ना, मस्त।